फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री के प्लान। दोस्तों, मैं कुशाग्र आज आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल सी प्लास्टिक बोतल से एक अच्छा सा हैंगिंग पॉट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने एक बनाया, आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितना क्यूट लग रहा है। ये देखिए, मैंने बना लिया था पहले ही आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक शार्प नाइफ ले लीजिए, ग्लू ले लीजिए, और अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर ले लीजिए। दोस्तों, ग्लू कोई भी ले लीजिए, मैंने एक फेविकोल ले लिया और एक दूसरा ग्लू। दो स्केच ले लीजिए, एक पिंक और एक ब्लैक। एक सीजर ले लीजिए और कुछ पेपर के टुकड़े ले लीजिए और एक बोतल। दोस्तों, मैंने इसे ऊपर से पहले ही काट लिया था ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो दोस्तों, बता देते हैं कि इसको कैसे काटना है। देखिए दोस्तों, बोतल लेनी है और लगभग यहां से इसको काट लेना है, पूरा इतने मार्क से काट लेना है। पहले हम इसको काट लेते हैं शार्प नाइफ ले लीजिए। दोस्तों, पहले इसको आप इतना काट लीजिए, उसके बाद सीजर से इसको काटिए शेप देने के लिए। दोस्तों, नाइफ से काटने में थोड़ा सा वैसा कट जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। सीजर से काट लीजिए, सीजर शार्प चलती है और क्लियर कट देती है। और दोस्तों, इसको केवल इतना पोर्शन इसका ऐसा रखिए, बाकी का पूरा प्लेन काट दीजिए। दोस्तों, इसके छोटे छोटे से ऐसे कान ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, अब दोस्तों इसे भी काट लेंगे। दोस्तों, ये कट चुका है। अब दोस्तों, हम इसके
इसे पेपर से काट के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों काटिए तो हमेशा याद रखिए, इसके कान को हमेशा इसके जो पोर्शन होता है इसके बीच में रखिए, या फिर इसे इन कानों के बीच में रखिए, क्योंकि आप जब इसकी नोज चिपकाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप या तो इसे बीच में रखिए या फिर इसे बीच में रखिए। चलिए पेपर ले लेते हैं, इसको आप साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों पेपर से पहले इसके ईयर बना लेंगे, ट्राइंगल शेप में काट लीजिए। दोस्तों दोस्तों हमने सब कुछ काट लिया। अब देखिए दोस्तों इसको ऐसे रखा जाएगा, ये है नोज, ये है आईज और ये है ईयर। दोस्तों इनको भी हमें चिपका देंगे इसमें। दोस्तों पहले इसको कलर कर लीजिए उसके बाद में चिपकाइए। या फिर पहले चिपका लेते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों हमने इसकी नोज चिपका लिए, आईज चिपका लिए, ईयर चिपका लिए। अब थोड़ी देर इनको सूख जाने देते हैं। देखिए दोस्तों अभी से ये अच्छा लगने लगा। दोस्तों ये अच्छे से सूख चुके हैं। अब दोस्तों इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ब्लैक स्केच लीजिए और सब में आउटलाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसे आप दोस्तों किसी भी कलर, कोई भी अपने मनपसंद कलर कर सकते हैं। मैंने इसमें कैट बनाई है, आप चाहें तो इसमें रैबिट भी बना सकते हैं, उसके कान बड़े बड़े करिएगा। दोस्तों मार्कर से इसमें इसकी मूंछें बना देते हैं। दोस्तों जब ये इसकी सूख जाए तब इन पे दो तीन बार कर दीजिए, तभी ये पता लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल है। अब दोस्तों इसमें यहां पे और एक इसके बिल्कुल पीछे और एक यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें तीन होल कर लीजिए और इसे किसी भी डोरी वगैरह से आप इसे बांध सकते हैं। काफी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, रेड वगैरह भी आती हैं, तो आपको जैसे मिल जाए इसमें होल करके यहाँ पर इनको बांध दीजिए और आप इसकी तरह इसे हैंग कर सकते हैं। ये वाला देखिए दोस्तों हमारा रेडी है बिल्कुल। और दोस्तों एक बात और,
दोस्तों जब ये पूरा आपका रेडी हो जाए तो आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं या फिर एक ग्लू का पूरा लेयर बना सकते हैं, क्योंकि आप जब इसमें पानी डालेंगे तो ये कलर बह जाएगा, इसलिए आप इस पर ग्लू की लेयर बना लीजिए या तो टेप लगा लीजिए। तो इस पर अगर आप पानी भी डालेंगे तो ये वाटर प्रूफ हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।